कौन बोल रहा है? मैं कोई भी हूँ, उस कमीने को फोन दे। कौन हो तुम? बात करने की तमीज नहीं है? तुझसे जो कह रहा हूँ वो कर, फोन दे उसे। देखो इस वक्त वो घर पर नहीं है, तुम्हें उनसे क्या काम है? झूठ मत बोल, मैं जानता हूँ वो घर पे है, उसे फोन पे बुला। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। कौन से उषा? पता नहीं कौन है, आपके बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है। किसका फोन? क्या पता। हेलो, कौन बोल रहा? तेरी मौत। क्या? कौन हो तुम? सुन अजीत मेहता, मेरी बात ध्यान से सुन। अपनी जिंदगी की घड़ियां गिनना शुरू कर दे, क्योंकि तेरी जिंदगी के सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। उसके बाद मैं तुझे जान से मार दूंगा। देख, तूने अगर दोबारा यहां फोन किया ना तो मैं पुलिस को बुलाओगे। पुलिस तो क्या, तेरा भगवान भी अब तुझे मुझसे नहीं बचा सकता। 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे। वक्त गिनना शुरू कर दे अजीत मेहता। कौन था? मुझे खबर नहीं थी, लेकिन वो कह रहा था कि 24 घंटों के अंदर वो मुझे जान से मार डालेगा। देखो तुम चिंता मत करो, आओ आओ। मेहता सर, किसी ने आपको जान से मारने की धमकी दी है? इस शहर में आपका ऐसा कौन सा दुश्मन हो सकता है जो ऐसा कर रहा है? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसकी धमकी में सच्चाई जरूर थी। ये आप कैसे कह सकते? क्या बताऊं, लेकिन उसकी आवाज से मैं बहुत डर गया हूं। नहीं नहीं मेहता साहब, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर दुबे, प्लीज कम एंड सी मी। हम आपकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करेंगे। इंस्पेक्टर दुबे, अपने दो ऑफिसर्स के साथ मिस्टर मेहता को उनके घर तक हिफाजत से ले जाइए। यस सर। मिस्टर मेहता, यू डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ यू। थैंक यू सो मच। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, दिस इज आवर ड्यूटी। यस, एसपी विजय। एसीपी विजय, प्लीज कम एंड सी मी इन माय ऑफिस। ठीक है सर, मैं अभी पहुंचता हूं। गुड मॉर्निंग लारा। गुड मॉर्निंग अजय। क्या बात है लारा, आज सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देख ली, मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला। ओह रियली? ऑफ कोर्स। जानते हो लारा, तुम्हारे अंदर वो बात है जो और किसी लड़की में हो ही नहीं सकती। फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ? लारा तुम जानती नहीं हो कि मैं तुम्हारा कितना बड़ा दीवाना हूँ। ये बात तुम कितनी लड़कियों से कह चुके हो। तुम मुझे समझती क्यों लारा, क्या मैं हर लड़की से इशलौता फिरता हूँ? एम आई अ फ्लर्ट? यस यू आर। लारा 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 लारा, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, और एक तुम होगे हमेशा मुझे गलत। अच्छा ये बताओ कि लंच कहाँ किया जाए? एक सेकेंड यार। हेलो अजय, जितनी जल्दी हो सके मुझे कमिश्नर साहब के ऑफिस में मिलो। यस सर। इस आदमी की टाइमिंग इतनी बुरी है लारा कि मैं तुमसे क्या कहूं यार। किसकी? एसीपी विजय। यार सच को ये मेरा तुम्हारे प्यार से जलता है, न जाने से पता कैसे चलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। सो लंच इज कैंसल राइट? पर डिनर दोनों साथ में करेंगे। ओके सी यू बाय। बट आई हैव नो होप। Excuse me? Yes? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? शायद पहले कहीं मिल चुके हैं। Well, जानते तो नहीं, लेकिन जान पहचान बढ़ाने का ये तरीका मुझे पसंद आया। आपकी तारीफ? I'm अजय, I mean to say इंस्पेक्टर अजय। आप? सलोनी शर्मा, I'm a प्रेस रिपोर्टर। वैसे काफी चर्चे सुने हैं आपके इस शहर में। भाई ये तो आप जैसे प्रेस रिपोर्टर की इनायत है कि मेरे जैसे जीरो को हीरो बना दिया। बदनाम चीज ही क्या? आई लाइक योर मॉडेस्टी। क्या मैं आपको इंटरव्यू ले सकती हूँ प्लीज? बिल्कुल नहीं। अगर आप इंस्पेक्टर रजत से कुछ पूछना चाहती हैं तो वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। हाँ मगर अगर आप अजय से कुछ पूछना चाहती हैं तो बंदा हाजिर है।
You are an interesting person. Well, if you say so. Inspector Ajay, sorry, Ajay. मेरा पहला सवाल है कि एक मिनट. अब क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यू के लिए कहीं बाहर चलें. You see, यहाँ जगह मैं कई सवालों का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता इसलिए. Sure, why not? Let's go. Come on. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. कहाँ जा रहे हो? कहीं भी नहीं सर, मैं तो कब से यहाँ बैठा आपका इंतजार कर रहा हूँ. अब आप ही तो लेट हो गए सर. हाँ, मुझे भी लग रहा था जैसे मुझे देर हो गई है, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला है कि मेरी टाइमिंग बिल्कुल करेक्ट है. चलो, कमिश्नर साहब वेट कर रहे हैं. कम सर. सॉरी सर, उन्होंने इंटरव्यू किसी और दिन. ये मेरा कार्ड है. May we come in, sir? Please come in. Sir! Please be seated. Thank you, sir. Kya baat hai, sir? Aapki awaaz mein badi emergency lag rahi thi. Yes, you are right, ACP Vijay. By the way, you know Mr. Ajit Mehta? Ajit Mehta, sir, kahin wo to nahi jo Bombay Stock Exchange ke chairman hua karte the? Yes. आजकल वो शेयर्स के कारोबार में है और इस शहर की जानी मानी हस्ती है. किसी ने उन्हें फोन पे धमकी दी है कि 24 घंटे के अंदर उन्हें जान से मार डालेगा. सर, मुझे तो इस धमकी में कुछ दम नहीं लग रहा. कत्ल करने वाला सामने वाले को फोन करके अलर्ट करता है कि वो उसका कत्ल करने वाला है. सर, आई फील दिस इज अ फॉल्स अलार्म. अजय, हमें इस मैटर को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए. मिस्टर अजीत मेहता इस शहर की नामी हस्ती हैं. वी हैव टू बी वेरी अलर्ट. यस, मैं चाहता हूं कि उन्हें कंप्लीट पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए. ठीक है सर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए. हम अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं करेंगे. मैं आपकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हूं, लेकिन इस बात से पूरे मीडिया में हलचल मच गई है. अब इसकी खबर मिस्टर अजीत मेहता ने दी है या उनके किसी परिवार के सदस्य ने, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस समय पूरा मीडिया कॉन्फ्रेंस हॉल में मेरा इंतजार कर रहा है. ठीक है सर, आप मीडिया को निश्चिंत होने के लिए कहिए. वी टेक केयर ऑफ मिस मेहता. ओके ओके सर, ऑल द बेस्ट. कम ऑन. सर, सर मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो गया हूं. किस बात? सर, वो कत्ल की धमकी देने वाला आदमी कोई सुल्ताना डाकू तो है नहीं जो डाका डालने से पहले इन्फॉर्म कर देता है कि वो डाका डालने वाला है, ताकि पुलिस अपना पूरा जाल बिछा कर बैठ जाए और जैसे ही हुआ है उसे दर्द पूछे. इंस्पेक्टर अजय, तुम एक काम करो, तुम सोचना बंद कर दो और इंस्पेक्टर भास्कर को फोन करो कि वो मेहता साहब के घर पहुंचे. ओके? ठीक है सर. इंस्पेक्टर अजय. या इंस्पेक्टर अजय, लाख जतन कर लो अगर तुम अजीत मेहता को मेरे हाथों मरने से नहीं बचा सकते. ए, तू बोल कौन रहा है? अजीत मेहता की मौत, उसका काल बोल रहा हूं. देखो, तुम चाहे जो कोई भी हो, पुलिस के हाथों बच नहीं सकते, समझे? किसी भ्रम में मत रहना इंस्पेक्टर. जो कहा है वो करके दिखाऊंगा. 24 घंटे का वक्त दिया है मैंने, अपना काम पूरा करूंगा. लाख कोशिश कर लो, तुम और तुम्हारी पुलिस दोनों देखते रह जाओगे. हेलो हेलो सर, सर सर. यस, भास्कर को तो मैंने इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन लेकिन क्या सर, अभी भी उस आदमी का फोन मेरे सेल पर आया. कौन आदमी? वही जिसने मिस्टर मेहता को जान से मारने की धमकी दी थी. उसने मुझे भी चेतावनी दी है कि वो 24 घंटे में मिस्टर मेहता को मार देगा. अजय, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, इस आदमी को कैसे पता चला कि तुम इस केस में इन्वॉल्व हो? अजय, इस आदमी की धमकी को लाइटली नहीं लेना चाहिए. कम, लेट्स मीट मिस्टर मेहता. कम.
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भास्कर। एवरीथिंग ऑल राइट? एवरीथिंग इज ऑल राइट सर। मैंने बंगले के चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात कर दिए हैं। एनी मोर थ्रेटन कॉल्स? नॉट येट सर। मिस्टर मेहता कैसे? वो ठीक है सर। अंदर है? यस सर, प्लीज कम। आप हैं मिसेज मेहता? नमस्ते, मैं एसीपी विजय। एसीपी साहब, अब तो बस हमें आप लोगों का ही सहारा है। पता नहीं कौन आदमी था, डर लगता है। मिसेज मेहता, आपको अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो आदमी चाहे कोई भी हो, हम उसे जल्द से जल्द ढूंढकर पकड़ लेंगे। फिर भी अब तो जब तक वो आदमी पकड़ा नहीं जाएगा, समझो हमारी तो रातों की नींद हराम हो गई। आप तो समझ सकते हैं ना सर, कि जब पति की जान पर खतरा होता है, पत्नी की क्या हालत होती है। अब मेहता साहब की जिम्मेदारी हमारी है। मैं उन्हें मिल सकता हूं? मैं अभी बुलाती हूं। भास्कर। यस सर। अपने कुछ आदमियों को सादा कपड़ों में बंगले के आसपास तैनात कर दो, और जिस पर भी शक पड़े गेट इट। ओके सर। अजय। यस सर। जिस आदमी ने मेहता साहब को धमकी दी थी और अभी अभी बंगले के बाहर जिस आदमी का तुम्हारे मोबाइल पर फोन आया था, मुझे लगता है ये दोनों एक है। पता करो ये आदमी फोन कहां से करता है। राइट सर। विजय साहब। मिस्टर मेहता। हेलो मिस्टर मेहता। हेलो एसीपी विजय। ओ नमस्ते नमस्ते, बैठिए ना, बैठो। थैंक यू। मेहता साहब, मुझे कमिश्नर साहब ने आपकी सिक्योरिटी के लिए भेजा है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ जरूर। आप कितने सालों से शहर में रह रहे हैं या काम कर रहे हैं? वैसे 15-20 साल से मैं शहर में। एक बात बताइए, शहर में कौन हो सकता है जो आपको जान से मारने की धमकी दे सकता है? बताना तो मुश्किल है। क्या है कि मैं स्टॉक एक्सचेंज में चेयरमैन रह चुका हूं, तो मैं ब्रोकर हूं, एक छोटी मोटी कंपनी चला रहा हूं। बड़े ताज्जुब की बात है, जिस तरह से वो फोन कर रहा है वो दो बातों की तरफ इशारा करता है। या तो वो आपका कोई जाती दुश्मन है, या कोई सरपना जो आपको जानबूझकर तंग कर रहा है। इसमें जरा सोच समझ कर बताइए, आपकी किसी से कोई दुश्मनी या रंजिश जिसकी बिना पर हम उस तक पहुंच सके? आज तक मैंने अपना जो भी काम है वो बड़ी ईमानदारी और नेकी के साथ किया है, न कभी किसी को धोखा दिया है न कुछ, तो बताना तो मुश्किल है। आई कैन अंडरस्टैंड। एक्सक्यूज मी। हेलो एसीपी विजय, मैं जानता हूं इस वक्त तुम अजीत मेहता के पास हो। मैं बार बार तुमसे यही कह रहा हूं कि तुम उसे बचा नहीं पाओगे, फिर क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो? 24 घंटे, 24 घंटे के अंदर उसका मरना तय है। आप क्या लेंगे, ठंडा गर्म? दोनों में से। मैं जरा जल्दी में हूं, यू बी कंफर्टेबल। अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो मुझे फोन कीजिएगा। थैंक यू मिस्टर मेहता। थैंक यू सर। ओके या सर, वो दोनों कॉल ट्रेस कर लिए, वो दोनों ही कॉल रानीबाग के पीछे से किए गए। ओके कम। यही है वो टेलीफोन बूथ? जी हाँ सर, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो यही है। वैसे मैंने सीरिया के इंचार्ज से कह दिया है कि वो इस टेलीफोन बूथ और आसपास के इस इलाके पर नजर रखे। कम, लेट्स सी। सर लेकिन अब यहां हमें क्या मिलने वाला है, और अगर कुछ मिल भी गया तो क्या गारंटी है कि उसी शख्स का है? कोई जरूरी नहीं, शायद कोई काम की चीज या कोई क्लू हाथ में लग जाए। Thank you.
मिला सर, ये तो सिगार है। अब ये सिगार किसका है, किसने पिया होगा, कौन जाने? मैं जानता हूं। धमकी देने वाले ने जब मुझे लास्ट कॉल की थी तो मुझे उसकी आवाज सुनकर ऐसा लगा था जैसे उसने अपने होठों में कुछ दबा रखा है, जैसे वो कुछ पी रहा है, जैसे सिगरेट पाइप या फिर ये सिगार। शायद मेरा अंदाजा सही था, शायद। सर, शायद के पीछे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, अ बिग क्वेश्चन। अजय, सवालों का जवाब ढूंढना ही तो हमारा काम है। शायद हमारे केस की पहली शुरुआत ये सिगारियों कमिट। ओके सर। उषा, आऊं जाऊं? आप जा रहे हैं मगर कहां? मीटिंग और कहां? क्या थोड़े दिन के लिए आपकी ये मीटिंग शीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते? नहीं, सीएम के साथ मीटिंग है, वो कैंसिल नहीं की जा सकती। जी, आप चिंता क्यों कर रही हो? सिक्योरिटी वाले मेरे साथ हैं, मैं अकेला थोड़ी जा रहा हूं, और घर में भी सिक्योरिटी वाले, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। पर सुनिए ना, सुनिए ना। क्या हुआ? अब हवा का जिक्र क्यों कर रहे हैं? अगर एक दिन आप घर के बाहर नहीं जाओगे तो आपका क्या नुकसान हो जाएगा? कैसी बात कर रही हो? नहीं नहीं, आज मैं आपको किसी भी हालत में बाहर नहीं जाने दूंगी। देख उषा, मेरा सीएम से मिलना बहुत जरूरी है, आज की मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन तुम डर क्यों रहे हो? मैं अकेला थोड़ी जा रहा हूँ, वो भास्कर इंस्पेक्टर है ना, ये दुखा गए। मिसेस मेहता, यू डोंट वरी, मैं हूँ ना इनके साथ, और जब तक मैं इनके साथ हूँ इनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। हाँ लेकिन अब क्या होता है? मिसेस मेहता, प्लीज अंदर जाइए, प्लीज। सर मेरी बात सुनो, तुम अंदर जाओ, मुझे कुछ नहीं होने वाला। डोंट, प्लीज आइए सर। देखिए, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। सर, सुनने में आया कि आपको जान से मारने की धमकी मिली है, तो हम तो ये जानना चाहते हैं कि आपकी सिक्योरिटी का क्या है? सवाल है ना मेरी सिक्योरिटी के लिए, किसी बात के लिए हमें हमारा माफ कर दीजिए प्लीज। उषा, बंदूक उठा। हम लाइफ।
He's all right. मैं इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज के एक्स चेयरमैन मिस्टर अजीत मेहता के घर के बाहर हूँ। अभी अभी यहाँ उनको जान से मारने की कोशिश की गई है। उनकी गाड़ी में बॉम्ब प्लांट किया गया था। इस हादसे में मिस्टर मेहता तो बच गए, लेकिन पुलिस इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि इस हादसे के पीछे कौन था। मुंबई से मेट्रो न्यूज के लिए सलोनी शर्मा। ये लीजिए आपकी तरफ। अब आपकी तबीयत कैसी है? असलास मुझे क्या हुआ? ये क्या हो रहा है हमारी जिंदगी में? हमारा तो जीना दुश्वार हो गया। हर वक्त डर लगा रहता। आज तो भगवान ने आपको बचा लिया, कल क्या होगा रामजान? तुम क्यों चिंता करती हो? ये कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे बगल में बैठा हूं, देखो फर्स्ट क्लास। नहीं रहना हमें इस शहर में, आज हम इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। कैसी बातें कर रही हो? अरे इस तरह कोई शहर छोड़कर थोड़ी जाता। हमारा इस शहर में घर है, बसा बसा है, बिजनेस है। अच्छा एक बात बताओ, ये शहर छोड़ने से क्या होने वाला? देखो मुझे कुछ नहीं होने वाला, तुम चिंता मत करो। ओके कम ऑन, यू आर राइट मिस्टर मेहता। अरे विजय साहब आइए आइए। ना तो आपको यह शहर छोड़ के जाने की जरूरत है और ना ही आपको कुछ होगा, हम लोग है ना। यूं फिजूल की तसल्ली क्यों दे रहे हैं आप हमें? अभी तक पकड़ना तो दूर, आप लोग को यह भी नहीं पता कि आखिर वो आदमी कौन था। आज अगर इन्हें कुछ हो गया होता तो। कैसी बात कर रही हो उषा? बल्कि मैं तो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था, इतने में भास्कर साहब मुझे अपनी जीप की तरफ ले गए, इसलिए तो मैं आज यहाँ पे जिंदा हूँ। देखिए उषा जी, आप जिन हालात से गुजर रही हैं हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप। कोशिश कोशिश का क्या मतलब? चल कम ऑन, तुम अंदर जाओ प्लीज, प्लीज अंदर जाओ, मैं हूं यहां पे प्लीज। आई एम वेरी सॉरी ऑफिसर। इट्स ओके आई कैन अंडरस्टैंड प्लीज। लेकिन एक बात तो तय है कि धमकी देने वाला कोरी धमकी नहीं दे रहा, वो वाकई आपकी जान का दुश्मन है। खैर उसे तो हम देख लेंगे, लेकिन आपको भी सावधानी बरतनी होगी। और हां, आप एक पल के लिए भी सिक्योरिटी के बिना नहीं रहेंगे, ना घर के बाहर ना घर के अंदर। जैसा आप ठीक समझे, लेकिन आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट थी। कहिए। क्या है कि सीएम साहब के साथ जो मेरी मीटिंग थी, वैसे वो तो कैंसिल हो ही गई है, लेकिन एक मीटिंग है मेरी इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स में, वो तो मुझे अटेंड करनी ही पड़ेगी। आपकी कॉन्फ्रेंस कितने बजे है? एक भी 8:30 बजे। सर इसका मतलब अभी हमारे पास वक्त है, वी कैन मेक द अरेंजमेंट्स। इंस्पेक्टर भास्कर आप 24 घंटे मेहता साहब के साथ रहेंगे, यू आर वेरी अलर्ट। इस घर में कोई भी आपकी इजाजत के बिना अंदर नहीं आएगा। हाँ एक खास बात, कोई भी पार्सल या कोरियर चेकिंग किए बिना अंदर नहीं आएगा। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर, मैं इन सब बातों का ख्याल रखूंगा। वेट, एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ अग्रवाल साहब, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आप मेरी तरफ से सीएम साहब से कहिएगा कि नहीं, वो जब भी कहेंगे मैं हाजिर होने के लिए तैयार हूं। नहीं क्या है ना कि मेरी फाइल तैयार है, एक पॉइंट को लेकर मैं आपसे जरा डिस्कस करना चाहता था। विल यू प्लीज होल्ड? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज बी कंफर्टेबल, आई विल बी बैक विद इन अ मिनट। थैंक यू। अग्रवाल साहब, यानी क्या अग्रवाल साहब, मैं सारे पॉइंट जो है वो आपको ईमेल कर दूंगा, उससे पहले मैं आपको कुछ ब्रीफिंग देना चाहता हूं, अगर आप होल्ड कीजिए मैं फाइल देख लूं। हाँ ओके।
हेलो, क्यों एसीपी साहब, कैसी रही? मैंने जो कहा था वो करके दिखाया। जो कुछ भी हुआ तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारी आंखों के सामने हुआ और तुम कुछ नहीं कर सके। ये तुम नहीं, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन बोल रही है एसीपी। ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ है, अभी तो एक और कमीने को मारना है मुझे। ए, मेरी बात सुनो। तुम सुनो एसीपी, और गौर से सुनो। इसके बाद मरने की किसकी बारी है वो भी तुम्हें बताऊंगा, और फिर मारूंगा उसे। अगर बचा सकते हो तो बचा लेना। इट्स माई चैलेंज। आज शाम तकरीबन 6:30 एक बम फटने के कारण मिस्टर अजीत मेहता की मौत हो गई। वो स्टॉक एक्सचेंज के एक्स चेयरमैन थे। पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि उनकी मौजूदगी में हादसा कैसे हुआ। इस हादसे की वजह से पुलिस पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा हो गया है। मुंबई से मेट्रो न्यूज के लिए सलोनी शर्मा। आखिर ये ब्लंडर हुआ कैसे? आप दोनों की मौजूदगी में कातिल आता है और कत्ल करके चला जाता है, और आप दोनों को पता तक नहीं चला। सर, वो कातिल बड़ा चालाक और शातिर आदमी है और ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह समझता है। उसने बड़ी चालाकी के साथ मेहता साहब की कार में बम प्लांट किया। कार के धमाके के साथ जो पैनिक क्रिएट हुआ, उसी सिचुएशन का फायदा उठाकर वो मेहता साहब की स्टडी में गया और लैब में बम लगा दिया। लेकिन वो आदमी है कौन? सर, वो आदमी चाहे जो कोई भी हो, लेकिन वो मिस्टर मेहता की आदतें और उनके रूटीन को बहुत अच्छी तरह जानता और समझता था। सर, वो वहां पर एक प्रेस रिपोर्टर बनकर पहुंचा। मैंने उस ऑफिस में फोन करके पता लगाया, लेकिन उनका कॉरेस्पॉन्डेंस अभी तक पहुंचा नहीं है। एसीपी विजय, कुछ करो। यू मस्ट डू समथिंग। वैसे जिस किस्म की धमकी उसने हमें दी थी उससे तो हम सब परेशान थे, लेकिन इससे बड़ी शर्म की बात यह है कि हमें पता था कि कोई मिस्टर मेहता का कत्ल करने वाला है, लेकिन ना तो हम मिस्टर मेहता को बचा सके और ना ही उस कातिल को पकड़ सके। अब बेफिक्र रहिए सर, वो जो भी है हमारे हाथों से नहीं बच पाएगा। मिस्टर मेहता स्टॉक मार्केट में बड़ी इज्जत की नजर से देखे जाते थे। वो बड़े उसूलों वाले आदमी थे। जब वो स्टॉक एक्सचेंज में चेयरमैन थे, उन्होंने कभी किसी गलत काम करने वाले के साथ कोई मुरब्बत नहीं की। मैं उन्हें तब से जानता हूं जब मैं डीसीपी था। ऐसे मेहता ने बातों बातों में उन दो दोस्तों का जिक्र किया था जो किसी स्कैम में इन्वॉल्व थे। उन्होंने मिस्टर मेहता से मदद मांगी थी, लेकिन मिस्टर मेहता ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया था और उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए थे। आजकल वो दोनों जेल में लॉज्ड हैं और सजा काट रहे हैं। हाँ, मुझे याद है। उनमें से एक का नाम सतपाल और दूसरे का नाम वीरेंद्र है, और दोनों स्टॉक ब्रोकर थे। हेलो, 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 क्या बात है? कौन था? ये उसी कातिल का फोन था जिसने मिस्टर अजीत मेहता का कत्ल किया। क्या कह रहा था? उसने मुझे अपने दूसरे टारगेट का नाम बताया। कौन है वो? मैं। What? May I come in, Mr. Bakshi? Please come in. Hi. I am Inspector Ajay, Mumbai Crime Branch. Please sit. माफी चाहूंगा मिस्टर बख्शी, मैं इस तरह से आपको परेशान करने आ गया, लेकिन मेरा आपसे मिलना बेहद जरूरी था। बोलिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आपने एक्स चेयरमैन मिस्टर मेहता के कत्ल के बारे में तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, मिस्टर मेहता की मौत का हमें बेहद अफसोस है। ताजुब इस बात का है कि पुलिस इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि मिस्टर मेहता की जान को खतरा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उन्हें बचा नहीं पाई और आज तक कातिल का कोई पता नहीं चल पाया। जी हाँ मिस्टर बख्शी, दरअसल इसी सिलसिले में मैं आपसे मिलने आया हूं। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो
कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। श्योर, वाई नॉट। मिस्टर बख्शी, आपको शायद याद होगा, जब मिस्टर मेहता स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन थे तो आज से कुछ साल पहले उन्होंने दो लोगों को ब्लैकलिस्ट किया था और उनके लाइसेंस भी कैंसिल किए थे। जी हाँ, उनमें एक का नाम वीरेंद्र था और दूसरे का नाम सतपाल था, और इन दोनों को ही मीडिया वालों ने काफी एक्सपोज किया था। क्या मैं उनके बिजनेस रिकॉर्ड देख सकता हूँ? जरूर। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये जो मेरी मीटिंग अभी आपके साथ हुई है, मैं चाहता हूं कि ये सीक्रेट रहे। जरूर। मिस्टर माथुर, पिछले 10 साल के बिजनेस रिकॉर्ड मेरे केबिन में लेके चले आइए। यस एसीपी साहब, शहर के सारे अखबार आप लोगों की तारीफ से भरे पड़े हैं, लेकिन आप लोगों का क्या, आप ठहरे चिकने खड़े। शराब पियो तुम जैसा। क्या हुआ, गाली देते देते रुक क्यों गए? गालियों से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, होगा तो सिर्फ गोली से। एक बात याद रख, तू जो कोई भी है एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। कुत्ते की मौत मरने से बेहतर है कि अपने आप को कानून के हवाले कर दे। अरे मेरी छोड़िए एसीपी साहब, अपने कमिश्नर साहब को बचा लो बस। इस बार अगर मैंने तुम लोगों की वर्दियां ना उतरा दी तो मेरा नाम भी। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपना नाम बताऊंगा? बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, मगर वक्त आने पर। सर, अभी भी भास्कर ने इन्फॉर्मेशन दी है कि कमिश्नर साहब के घर के ऊपर मीडिया प्रेस वालों की भीड़ जमा हो गई। सर, दिस सिचुएशन इज अलार्मिंग, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार फिर वो आदमी भीड़ का फायदा उठाकर कुछ चाल चल जाए। अरे इस बार हर हाल में हमें उसे पकड़ना है। कंट्रोल को फोन करो और कमिश्नर साहब के घर पे बॉम्ब स्क्वाड बुला लो। यस क्विक। हमने उनसे अपॉइंटमेंट ली थी इसलिए आप हमें अंदर जाने। सर देखिए, हम उनसे मिले बगैर नहीं जा सकते। अजय, बाहर जितने भी मीडिया वाले हैं, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, मुझे उनकी डिटेल चाहिए बहुत जल्दी। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। आइए आइए एसीपी विजय, आइए बैठिए। थैंक यू सर। सर ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ एसीपी विजय? सर आपने सारे जर्नलिस्टों को बुला लिया और हमें खबर तक नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं, मैं अपने ही घर में कैद होकर रह जाऊं? सारा मीडिया हमारे ऊपर ताने कस रहा है, हमारा मजाक उड़ा रहा है। कल को वो टीवी पे दिखाएंगे कि एक अजनबी कातिल की धमकी से डरकर पुलिस कमिश्नर अपने घर में दुबक कर बैठ गया। नहीं सर, ऐसी बात नहीं सर, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि किलर मिस्टर मेहता के घर में जर्नलिस्ट बनकर ही घुसा था। तुम्हें क्या लगता है उन जर्नलिस्टों में से किसी एक ने आकर मेरे घर में बम रख दिया है? सर हो सकता है और नहीं भी हो सकता, फिर भी मैंने एहतियात के तौर पर बम स्क्वाड बुला लिया। लेकिन सर मेरी एक गुजारिश है, आप आज ऑफिस नहीं जाएंगे। एसीपी विजय सर प्लीज, मेरी खातिर। सर सर बॉम्ब स्क्वाड आ गया है। एडजस्ट कर। ऑफिसर्स पूरे बंगले में फैल जाओ, सारा बंगला अच्छी तरह छान मारो, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। गो। ओके सर। अभी यहां जितने भी जर्नलिस्ट आए थे इस लिस्ट में उन सब के नाम। अजय, इस लिस्ट में जितने भी जर्नलिस्टों का नाम है उनका पता ठिकाना अच्छी तरह जान लेना चाहिए। गो। आई डू द नीड। We'll be right back.
हमने सारा घर छान मारा, कहीं भी कुछ नहीं मिला। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। ओके सर। हेलो, क्यों बेकार की मेहनत करके अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? हाँ मैं, अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि कमिश्नर ओबेरॉय की जिंदगी का सूरज बहुत जल्द डूबने वाला है। Thank you.